हेलो दोस्तों, पुनीताज फूड डायरी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूंगी व्रत में खाए जाने वाला साबूदाना की पकौड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक कच्चा आलू और साबूदाना। आलू को मैंने अच्छी तरह से पहले से ही छील लिया था, अब इसे ना कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। अब हम साबूदाने को ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से। अब हम साबूदाने के पाउडर में डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्च और कटा हुआ कच्चा आलू और स्वाद के अनुसार सेंधा नमक। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, इसे अच्छी तरह से वापस ग्राइंड करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से इसका पेस्ट बनाना है। अब हम पेस्ट को एक बर्तन में ट्रांसफर करेंगे और इसे ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे आधा घंटा हो गया है, ये अच्छे से फूल भी गया है। अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और जीरा। जीरा डालने के बाद इसे वापस हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो तेल को मैंने पहले से रख दिया था गरम होने के लिए। तेल अच्छी तरह से गरम हो गया है। तो अब हम हाथ में लगाएंगे पानी और इसका इस तरह से छोटा छोटा बॉल्स बना के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ध्यान रखें इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम एकदम लो कर देना है, नहीं तो ना ऊपर से जल जाएगा और नीचे कच्चा ही रह जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से हम साबूदाने के सारे पकौड़ी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।